अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने तालिबान को लेकर ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। सालेह ने दावा किया है कि तालिबान के पास 800 आत्मघाती हमलावरों की फौज है जो कि पूरी तरह से ब्रेन वॉश किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, तालिबान का एक शीर्ष कमांडर मुल्ला ताजमीर कोहट में 20 साल से बम की फैक्ट्री चला रहा है। इसके बारे में पूरी दुनिया को पता है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि चंद दिनों पहले पाकिस्तानी दूतावास पर हुए हमले की जांच संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के जरिए की जानी चाहिए। अमरुल्ला सालेह तालिबान के सबसे बड़े मुखर आलोचक माने जाते हैं। जब 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था तब भी वो देश छोड़कर नहीं भागे और वहीं से तालिबान के खिलाफ जंग का नेतृत्व करते रहे। अमरुल्ला सालेह ने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा कि काबुल में पाकिस्तानी दूतावास पर हमला करने वालों का पता लगाने का सबसे आसान तरीका ISI के कार्यालय और SSG की स्पेशल ब्रांच की जांच करना है। उन्होंने कहा कि सभी राजनयिक मिशनों को किसी भी और सभी रूपों के आतंकी हमलों से मुक्त होना चाहिए। 31 मई 2017 जर्मन दूतावास पर बमबारी में 200 से अधिक लोग मारे गए थे। उसका मास्टरमाइंड 2020 में रिहा कर दिया गया। सेरेना होटल, अमेरिकी दूतावास और भारतीय दूतावास पर हमलों का मास्टरमाइंड अब तालिबान की सरकार में आंतरिक मंत्री है। इस बमबारी के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने उसकी मदद की थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या संयुक्त राष्ट्र की जांच एजेंसी की पहुंच तालिबान के आत्मघाती दस्तों तक होगी जो तालिबान के वर्तमान उप खुफिया प्रमुख मुल्ला ताजमीर के अधीन काम करती है। सालेह ने बताया कि ताजमीर कोहट में 20 साल से बम की फैक्ट्री चला रहा है। ऐसे ही एक बम के परीक्षण के दौरान विस्फोट में उसकी एक आंख चली गई थी। वो ISI और पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत खास है, वो भी अब तालिबान के आत्मघाती हमलावरों की कमान संभाले हुए। क्या संयुक्त राष्ट्र को उसकी जांच करने की अनुमति दी जाएगी? अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कि ISI शातिर आतंकवादियों का सबसे बड़ा समर्थक है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि दोहा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले अच्छे आतंकवादियों से उनके क्या संबंध है। अगस्त 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के तुरंत बाद ISI चीफ अफगानिस्तान पहुंचे थे। उन्होंने तालिबान की कार्यवाहक सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। सालेह के समर्थकों का ये भी दावा है कि ISI ने ही तालिबान को विरोधियों के गढ़ पंजशीर पर कब्जा करने में मदद की थी। इसमें पाकिस्तानी सेना के स्पेशल फोर्सेस के कमांडो टीम भी शामिल थी।